रोहित शर्मा बेंगलुरु वनडे में अपने पुराने अंदाज में नजर आए। 2013 में जहां उन्होंने इसी मैदान पर दोहरा शतक लगाया था, वहीं इसी मैदान पर आज उन्होंने शतक लगाया और कंगारू गेंदबाजों की गेंदों को जमकर बाउंड्री के पार पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया का कोई गेंदबाज रोहित के सामने असरदार नहीं दिखा और रोहित ने इस मैच में जमकर छक्के जड़े। रोहित शर्मा भी इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने डेब्यू के बाद से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। आपको बता दें, उन्होंने अपने डेब्यू के बाद छक्के लगाने के मामले में क्रिस गेल को भी पछाड़ दिया है। रोहित शर्मा का इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू 23 जून 2007 में हुआ। उसके बाद से अब तक वनडे क्रिकेट में उन्होंने सबसे ज्यादा छक्के जड़े हैं। अपने डेब्यू के बाद से वनडे में उन्होंने छक्के लगाने के मामले में क्रिस गेल को भी पीछे छोड़ दिया है। रोहित शर्मा ने अपने डेब्यू के बाद से वनडे में अब तक कुल 243 छक्के लगाए हैं, जबकि क्रिस गेल ने 242 छक्के लगाए हैं। रोहित शर्मा ने वनडे में तो क्रिस गेल को पीछे छोड़ ही दिया है, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में डेब्यू के बाद से सबसे ज्यादा छक्के भी लगाए हैं। रोहित के नाम अब तक कुल 415 छक्के दर्ज हो गए हैं, जबकि क्रिस गेल उनके पीछे 413 छक्कों के बाद मौजूद हैं। और ये आंकड़े भी रोहित के डेब्यू यानी कि 23 जून के 2007 के बाद का है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।